व्रतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और श्री श्री राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जिस तरह मेरा मोह दूर हो सके वही कीजिए नाथ। श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही है, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कही है, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण मारा वो कही है। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे नाथ, आप मुझे उनकी कथा सुनाकर मेरा भ्रम दूर कीजिए। कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई करतार रटता है, कोई निर्गुण सगुण जगदीश और दातार रटता है, निरंजन शोक भंजन दीन का आधार रटता है, निरंकारी कोई कहता कोई साकार रटता है, उजागर प्रेम सागर श्याम और गुण धाम कहते हैं, श्रद्धा के साथ प्रेमी जन उन्हें ही राम कहते हैं। नाथ, भगवान के इतने नाम क्यों बखाने जाते हैं? प्रिय, इसके कई कारण हैं। एक तो श्रद्धालु लोग अपनी अपनी रुचि अनुसार भगवान को अपने प्रिय नाम से पुकारते हैं। कोई दीनानाथ कहता है तो कोई दीनदयाल। दूसरे भगवान में अनेक शक्तियां हैं और उनमें से प्रत्येक शक्ति के लिए भगवान का एक एक नाम हो गया है। जैसे विष्णु अर्थात पालने वाला, सुखधाम अर्थात सुख का स्थान, मणिमनोरंजन अर्थात प्रेमियों की हृदय को आनंद देने वाला, तीसरे समय समय पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे किसी दूसरे ही नाम से पुकारे जाते हैं। नाथ, ऐसे ही समय तो सांसारिक मनुष्यों की बुद्धि संकोच में पड़ जाती है, क्या भगवान भी समय समय पर जन्मते हैं और मरते हैं? मैंने तो उन्हें अजन्मा और अमरण ही सुना था। नहीं प्रिय, भगवान वैसे तो जन्म और मरण से रहित है, परंतु समय समय पर दुष्टों के नाश और भक्तों की हित के कारण अवतार लेकर अद्भुत लीलाएं रचते हैं, अन्यायियों को सहारते हैं और संतों को सुख पहुंचाते हैं। नाथ, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, फिर क्या वे निराकार रहते हुए अपनी शक्ति द्वारा दुष्टों का नाश नहीं कर सकते जो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता होती है? सब कुछ है, परंतु अवतार लेने से कार्य अधिक सिद्ध होते हैं। एक तो भक्तों को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, दूसरे अन्यायी अपने पाप कर्म का फल पाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जब आते हैं तो ऐसी मर्यादा बना जाते हैं कि जिस पर चले से मनुष्य का कल्याण हो
और संसार को धर्म अधर्म की पहचान हो तो क्या